कार्ड पे तो लिखा था कि हमारे लिए सरप्राइज है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जरूर किसी ने घटिया मजाक किया हमारे साथ। कहीं वही वाला एक्टर तो नहीं जिसे तुमने इसलिए रोल नहीं दिया था क्योंकि उसने तुम्हें 50,000 रुपए नहीं दिए थे? अगर ये काम किसी एक्टर ने किया ना तो उसे अपनी कंपनी में तो क्या, इस इंडस्ट्री किसी भी कंपनी में स्पॉट बॉय तक नहीं बना दूंगा मैं। देखा, ये सब कास्टिंग वाले, इस जोकर ने इन्हें यहाँ बुलाया होगा। चल यार चलते हैं, यहाँ टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। ठीक है चलो। आपका स्वागत है। तुम? हाँ मैं एक कलाकार, और आप मेरे दर्शक। आज मैं आपको एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जिसे देखकर आप इतना हंसेंगे जितना आज तक कभी किसी के ऑडिशन में किसी बेचारे पे नहीं हंसे होंगे। तुम तीनों को तो मैंने यहां बुलाया ही नहीं था, लेकिन अगर आ ही गए हो तो बिना तमाशा देखे वापस नहीं जा पाओगे। प्लीज हमें माफ कर दो, जाने दो हमें, प्लीज प्लीज जाने दो हमें। क्या मिल रहा है तुम ऐसा करके? मत करो ये सब, प्लीज छोड़ दो हम लोगों को। ये कहानी है एक ऐसे जोकर की जो एक्टर बनना चाहता था, लेकिन इस जालिम दुनिया ने उसका तमाशा बना दिया। और अब वही जोकर उन लोगों का तमाशा बनाएगा। तमाशा शुरू। इन तीनों के साथ साथ ये हमें भी माफ कर दो। छोड़ दो हमें, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो हमें, हमें जाने दो, प्लीज हमें माफ कर दो। कुछ मत बोलो, प्लीज चुप रहो। याद है मैं भी तुमसे ऐसे ही एक मांगता था, एक छोटे से रोल की,
एक छोटा सा रोल दे दो मुझे। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अपमान, गालियां। हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है, जिसे वो किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहता है। मेरा भी एक सपना था, कलाकार बनने का सपना, पर तुम दुनिया वालों ने उसे पूरा नहीं होने दिया। रौन दिया मेरे सपने को अपनी एड़ियों तले, चूर चूर कर दी मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिशें। मगर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बस थोड़ा सा नाम ही तो कमाना चाहता था ये जोकर। जोकर किसे कहते हैं आप जानते हैं? इंसान तो अपनी जिंदगी में एक ही बार मरता है। जोकर पल पल मरता है। मैं भी मरा हूं, हर घड़ी हर पल। अगर तुम लोगों ने मुझे एक मौका दे दिया होता तो आज मैं भी जिंदा होता। मैंने आत्महत्या नहीं की, तुम लोगों ने खून किया है मेरा। क्या क्या सपना देखना पाप है? कला का प्रदर्शन करना जुर्म है? कला का पुजारी हूं मैं, कलाकार हूं मैं, जोकर हूं मैं। क्या कसूर है मेरा? जी तो सुनना चाहता था मैं। एक कलाकार के लिए तालियों की गूंज से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं। उसकी अपनी मौत का बदला भी नहीं। जाओ, तुम सब आजाद हो, आजाद हो तुम सब। वाकई बुरा हुआ इसके साथ, बहुत नाइंसाफी हुई। आज तक सिर्फ जोकर पे हंसते आए हम, क्या पता था कि जोकर के दिल में भी इतना दर्द छिपा होता है।